नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास, इतिहास का अध्याय एक, क्या, कब, कहां और कैसे। इस अध्याय में हमने पिछले वीडियो में इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना, जैसे कि हमने पांडुलिपि के बारे में जाना, अभिलेखों के बारे में जाना, हमने पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जाना। आज हम अतीत के बारे में जानते हैं और तिथियों का क्या मतलब होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि भैया बहनों, इतिहासकार किसे कहते हैं, यानी कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जैसे कि भैया बहनों, प्राचीन कालीन समाज जो है अनेक वर्गों में बंटा हुआ था, जैसे अखेटक है, संग्राहक है, कर्षक है, व्यापारी है और पशुपालक है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुपालकों तथा कर्षकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। यानी कि पुराने समय की बात करते हैं, पशुपालक है, कर्षक है ना, राजा है, रानी है ना, व्यापारी है, शिल्पकार है, इत्यादि का जीवन जो है वो बहुत ही भिन्न था एक दूसरे से। जैसे कि आज हम देखते हैं, है ना, आज भी हमें मतलब समाज में भिन्नताएं दिखती है, हर एक का जीवन अलग अलग होता है। पुराने समय की हम बात कर रहे हैं कि भाई लोग उस समय भी अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे, है ना। उदाहरण के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है और वर्तमान में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे और यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ये हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो लेखा जोखा लिखा हुआ, विजयों का लेखा जोखा हमें लिखा हुआ इतिहास में मिलता है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी लड़ाइयों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा वो नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी कि पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने खोजबीन की, तो उनकी सहायता से ही उनके जानने में हमें मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है। चलिए भैया बहनों, आगे हम जानते हैं तिथियों का मतलब, यानी कि तिथियों का मतलब। देखिए भैया बहनों, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह को जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व कहलाई, है ना, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में
हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। जैसे कि भैया बहनों, अंग्रेजी में BC यानी BC और हिंदी में ईसा पूर्व, और अंग्रेजी में BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। देखो भैया बहनों, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD भी लगाते हो, यानी ये हिंदी में AD को ईसा के बाद, है ना, ईसा के बाद यानी ईसा के जन्म के बाद, और AD की फुल फॉर्म है एनोडोमिनी। AD को फॉर्म है एनोडोमिनी। ये एनोडोमिनी ये जो है दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। दो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का प्रयोग जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। अब भैया बहनों, हमारे पाठ के अंत में एक कहानी दे रखी है अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र की, तो उसको देखते हैं। कहानी भाषा के संदर्भ में है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेखों कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था, और विद्वान ये कैसे जान पाते कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका यानी कि उत्तरी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, और ये लिपि के चिन्ह हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, और यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख जो है तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में मतलब मिला, और यूनानी और मिस्र लिपि के भी दो प्रकार में, और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और इसे कारतूस कहते हैं। कारतूस किसे कहते हैं? यूनानियों ने बताया कि राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और इसे कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, यानी एक समान ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए बने हैं। जैसे अपन देखते हैं भैया बहनों, ये L अक्षर के लिए शेर और ये A अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बने हैं। एक बार जब हम यूनानियों ने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य लिपियों को भी पढ़ सकते थे। तो इसी के साथ में अपना ये अध्याय 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।